जेबीए नेटवर्क के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अफरान सिंह। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कई तरह के कैलकुलेशंस उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमने पाई की वैल्यू और लॉग ई की वैल्यू भी समझी थी। और हमने मिनोरा के विषय में भी कुछ बातों को सीखा था कि उसकी सात कलियों का, सात लंगों का क्या मतलब है, और उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को भी हमने देखा था। हमने पिछले 10 एपिसोड्स हमारी उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन को ही समझने में लगाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन को देखने जा रहे हैं और उस पर मनन करने जा रहे हैं। और यह ऐसा वचन है, ऐसी आयत है जिसने सैकड़ों सालों से, कई दशकों से थियोलॉजी डिबेट को उत्पन्न किया है। कई स्कॉलर्स और कई टीचर इसके कई तथ्य देते हैं, कई बातें इसके विषय में सोचते हैं और बोलते हैं। पर इस बात से एक बात साबित हो जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हम किसी भी स्कॉलर की बात को क्यों न माने या किसी भी पास्टर की बात से सहमत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाए गए हैं और हमने उनके उद्धार को पाया है। और हमारे लिए उद्धार ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए तो परमेश्वर यहोवा ने पूरी बाइबल में उत्पत्ति के पहले दो अध्याय, वचन संहिता के कुछ अध्याय, यशायाह के कुछ अध्याय और अय्यूब के कुछ अध्यायों को छोड़कर ज्यादा कुछ भी सृष्टि की रचना के विषय में बोध नहीं करवाया है। परंतु बाकी की जितनी भी चीज है पवित्र बाइबल के अंदर, वह सब हमारे उद्धार की बात से जुड़ी हुई है। चाहे वह इसराइल की स्थापना, उस इसराइलियों के कनान देश में जाकर के बसना, प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, मरना और जिलाए जाना और फिर वापस आना हमको लेने के लिए, यह सारी की सारी बातें हमारे ही उद्धार से, हमारे छुटकारे से ही जुड़ी हुई है, जो हमें यह दर्शाती है कि परमेश्वर के जो इंतजाम है हमारे लिए वह कितने अद्भुत है। और सबसे जरूरी बात हमें यह भी दर्शाती है कि सृष्टि की रचना को समझाने के लिए परमेश्वर ने ज्यादा कुछ भी डिटेल में या विस्तार में हमें समझाया नहीं है, क्योंकि यह इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। अगर परमेश्वर सृष्टि की रचना जो उन्होंने करी उसे एकदम विस्तार से अपने वचनों में बताते, तो हम जिस तरीके से यूहन्ना उसके 21वें अध्याय और 25वें वचन में बताया है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। देखिए, मसीह की हुई बातें ही इतनी सारी है तो परमेश्वर की सृष्टि की रचना के विषय में विस्तार से बताने में किताबें ही किताबें लग जाती। हम तो ऐसे हैं कि हमें जो अभी हमारे पास पवित्र शास्त्र मौजूद है उसे ही पूरा पढ़ने में दिक्कत होती है और पढ़ा ही नहीं जाता है। तो अगर इतनी सारी किताबें होती जिसमें सब बातें विस्तार से बताई गई होती, तो जाहिर है कि हम उसे कभी भी ना पढ़ पाते। और यहाँ पर यही एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हमें समझ में आती है, क्योंकि हम अपने पास जो बाइबल है, जो पवित्र बाइबल है, उसे ही पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो हम उसके ऊपर निर्धारित रहते हैं जो हमें सिखाते हैं। और हम जानते हैं कि आज सिखाने वाले कई हैं, जिसकी वजह से आज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में पाए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद ही वचनों को पढ़ें, वचनों का ध्यान रखें, ताकि कोई भी आकर के हमें भरमाने न पाए या हमें ऐसी कोई शिक्षा न देने पाए जो पवित्र बाइबल के विरुद्ध हो और हमें हमारे उद्धार को हमसे छीन ले जाए। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस बाइबल से खोज सीरीज की स्टडी को आरंभ किया है, ताकि आपको हर तरीके की जानकारी का अनुभव हो जाए, ताकि कभी कोई सवाल अगर आपको पूछा जाए तो आपके पास उसका उत्तर हो, न कि हमेशा जो हम सीखे हैं, जो हम अभी तक सीखते आए हैं कि पवित्र बाइबल में जो लिखा है वह बस लिखा गया है और उस पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन है। यह सत्य भी है कि वह परमेश्वर का वचन है और हमें उस पर सवाल कभी नहीं खड़े करने चाहिए, परंतु जब वो परमेश्वर का वचन है तो वह सारी जानकारियों और भेदों को अपने अंदर समाये हुए है, जिनसे जुड़े हुए कई वचनों को हम हमारे पिछले एपिसोड में आपको विस्तार से समझा चुके हैं। और वह भेद इसलिए बताए गए हैं, संजोए गए हैं पवित्र बाइबल के अंदर, ताकि हम उन्हें खोज कर निकाले और पवित्र आत्मा की सहायता से उन्हें जान ले, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ऐसे सवाल रहते हैं आज के समय में, क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और कई तरह की जानकारियां, कई तरह की बातें इंटरनेट पर मिल जाती है और आज सभी लोग सब कुछ जानने लगे हैं, और इसी वजह से ज्ञान बहुत बढ़ गया है और ज्ञान के बढ़ने की वजह से जो आत्मिक बातें हैं वे दब गई हैं, और उनके दबने की वजह से हमारी बुद्धि जो है वो हमें कई सवाल खड़े करने की ओर ले जाती है। और कई लोग ऐसे पाए जाते हैं कि अगर उन्हें इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो वे अपना विश्वास खो देते हैं। इसलिए हमने यह जिम्मा लिया है परमेश्वर की अगुवाई से कि हम जितना हो सके आपके लिए बाइबल से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर आए, ताकि कभी कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न हो या आपके पास कोई ऐसा आ जाए जो आपसे सवाल करे, तो आपके पास उन सारी बातों का पवित्र शास्त्र के माध्यम से जवाब मौजूद रहे। और इन सारी बातों के लिए बहुत जरूरी चीज यह है कि पवित्र बाइबल के वचनों को, उनके भेदों को हम समझ पाए, और हमें यह बात पहले ही पता है। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि खुली रखनी होगी। अगर आपने अपने आप को अभी तक जो हम सीखते आए हैं उन बातों में सीमित कर लिया, तो आप कभी भी इन बातों को, इनकी गहराइयों को समझ नहीं पाएंगे। परंतु फिर भी यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन बातों को समझे या ना समझे, इन बातों से सहमत हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे कि नहीं।
आप उद्धार पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया और उनको छोड़ किसी दूसरे की ओर से नजर हटा ली, तो यह स्पष्ट है जो जरूरी बात है उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए वह आपके पास अब आ गई है और वह कभी भी आपसे छीनी नहीं जाएगी और वह परमेश्वर की ओर से है, आपके लिए एक गिफ्ट है। बहरहाल हम उन सवालों के जवाब आपको देना चाहते हैं जो उन लोगों से जुड़े हैं जिन्होंने उन सवालों की वजह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से या उनकी बातों को समझने से सच्चाई को समझने में अपने आप को दुर्बल पाया है। और शायद आपको कोई ऐसा मिला हो जो इस अवस्था में पाया जाता हो, या आप खुद ही ऐसे हो जिनके पास इसके ऊपर सवाल है, तो आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एक बात है कि जो हमने पवित्र बाइबल की स्टडी चालू करी है उसमें एक एक करके सारी आयतों को समझ करके हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो जब यह दूसरी आयत हमारे सामने आ जाती है तो हमको इसको समझना, इसकी गहराइयों को समझना, इसकी बातों को समझना तो लाजमी है। तो आइए हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की दूसरी आयत को समझने की शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कई स्कॉलर्स यह बताते हैं, कई विद्वान यह बताते हैं कि यहाँ पर एक गैप था, यानी कि अंतराल था, और उस अंतराल के विषय में कोई नहीं जानता कि वह कितना बड़ा था। वह अंतराल करोड़ों साल का हो सकता है हमारी पृथ्वी के घूमने के हिसाब से। इस आयत को हम अच्छे से समझने जा रहे हैं, जिसे हम किंग जेम्स वर्जन की अंग्रेजी या इंग्लिश को उसको लेकर के समझेंगे, क्योंकि वह हमारे समझने के लिए सबसे करीबी हिब्रू का भाषांतर है, ट्रांसलेशन है। और फिर हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी बुद्धि को खुले रखकर इन बातों को समझें। हम आपकी थियोलॉजी बदलना नहीं चाहते, आपकी सोच बदलना नहीं चाहते हैं। जो भी आप इसके विषय में सोचते हैं वह सत्य ही है, पर इन बातों को हम जिस तरीके से समझ रहे हैं या जो हमने खोज करके निकाला है वह बातें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बातें, यह सच्चाई आपके उद्धार को और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास को कम या ज्यादा नहीं करेगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता का जो आत्मा है, यानी कि पवित्र आत्मा, वह गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है। और हम सब जानते हैं कि अगर कोई आगे पीछे चलता है कोई जगह के ऊपर या मंडराता है कोई जगह के ऊपर, उसका मतलब होता है कि वह कोई बात की गहन सोच में लगा हुआ है। तो वहां पर भी परमेश्वर का जो आत्मा था, यानी कि पवित्र आत्मा, वह बातों की प्लानिंग कर रहा था। इस बात की प्लानिंग कि पृथ्वी को बनाना है, जिसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी या महत्वपूर्ण रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंसान है, अब वह किस तरीके से उसके लिए सारी की सारी बातें रखी जाएंगी। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जो इसके आगे की है, वहां पर प्लानिंग हुई, जिसके विषय में हम जल्द ही सीख जाएंगे कि परमेश्वर की आत्मा ने उधर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आने वाली है उनकी प्लानिंग करी थी। उसको समझने के लिए हमें अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस आयत में परमेश्वर ने क्या भेद छुपा के रखे हैं या किस बात को छिपा के रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इन बातों को समझेंगे और अंत में उसके मतलब को समझेंगे कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया, तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि परमेश्वर की इसके पीछे मंशा क्या थी और आप और मैं इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। यहाँ पर जो पड़ी थी या वॉज के लिए हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है हाया, जिसका मतलब होता है बन गई थी, हैड बिकम। इस शब्द के लिए हिब्रू स्कॉलर्स कहते हैं कि शब्द को पड़ी थी, वॉज, ट्रांसलेट करना नहीं चाहिए था, बल्कि हो गई थी या बन गई थी, हैड बिकम, ऐसा उसका ट्रांसलेशन या भाषांतर करना चाहिए था। यही शब्द उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय और 26वें वचन में भी पाया जाता है, जहां पर लूत की पत्नी के लिए लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यहाँ पर जो बन गई के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वही शब्द हाया है, जो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में वॉज के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह जो शब्द है अच्छी तरीके से उस एक्शन या उस क्रिया करने को बताता है जो किसी चीज के ऊपर करी गई है। उसी तरह से जो दूसरा शब्द है बिडॉल, जिसे इंग्लिश में विदाउट फॉर्म करके ट्रांसलेट किया गया है, उसके लिए जो हिब्रू का शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है तोहू, जिसका मतलब होता है बिडॉल, विदाउट फॉर्म, कंफ्यूज्ड। और यह शब्द दूसरे शब्द के साथ जुड़ा हुआ है जो है बोहू, जिसका मतलब है void, empty, waste, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है सुनसान। इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है तोहू व बोहू, और यह वाक्य है जिसके ऊपर स्कॉलर्स ने बहुत डिबेट किए हैं। इस आयत की शुरुआत में सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है एंड, या हिंदी में और। जब इस अक्षर को हिब्रू में देखते हैं तो इसके लिए जो अक्षर इस्तेमाल में हुआ है वह है वाव, और वह एक तरीके का कंजंक्शन है, जिसे जब ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया उसके सेप्टुएजेंट वर्जन में, तो उसका जो सही मतलब है वह सामने आया, जो है बट, मतलब परंतु। कई ऐसे कंजंक्शंस और वर्ब्स और एडवर्ब्स हैं जिनका एकदम सटीक मतलब ग्रीक ट्रांसलेशन सेप्टुएजेंट वर्जन में मिल जाता है। और सेप्टुएजेंट वर्जन ट्रांसलेशन की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी जानकारी हमने हमारे शुरुआती एपिसोड्स में अच्छे से समझाया है। कई स्कॉलर्स अगर किसी वचन को बहुत गहराई से देखना चाहते हैं तो वह इस सेप्टुएजेंट वर्जन से भी
उस वचन को देखते हैं, क्योंकि जो ग्रीक भाषा है वह बहुत ज्यादा सटीक है और उसके मतलब में एकदम सीधी है। और जब इस वर्जन में हम इस आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ परंतु बट से इस वचन की शुरुआत हुई है। हम इस वाक्य को जो है तोहु व बोहु उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह वही वाक्य है जिसकी वजह से गैप थ्योरी चलन में आई है। इसकी वजह से समझा जाता है कि पहले वचन में और दूसरे वचन के बीच में बहुत सालों का अंतराल है। यही वाक्य हमें यशाया उसके 34वें अध्याय 11वें वचन, यशाया 45वें अध्याय और 18वें वचन, यर्मिया उसके 4वें अध्याय और 23वें वचन में मिल जाता है, जिसको हम देखते हैं। यशाया उसके 34वें अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, उसमें धनेश पक्षी और साही पाए जाएंगे और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा, वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। यशाया उसके 45वें अध्याय और 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है, वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। यर्मिया उसके 4वें अध्याय और 23वें वचन में लिखा है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तोहू व बोहू जो वाक्य है वो सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि वहाँ पर बेडौल और सुनसान की बात हो रही है, बल्कि यह भी बता रहा है कि वहाँ कंफ्यूजन है, एम्प्टीनेस है, कुछ बेकार हो गया है। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यह वाक्य या शब्द दर्शाते हैं, वह है जजमेंट या न्याय को, जिसे हम विस्तार से यर्मिया उसके 4वें अध्याय 23-26 में पढ़ सकते हैं। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। यहाँ पर यह ज्ञात हो जाता है कि यर्मिया जजमेंट या न्याय की बात कर रहा है, यानी कि जो तोहू व बोहू वाक्य है वो किसी तरह के जजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगले शब्द की ओर हम अपनी नजर को लगाते हैं, जो है अंधियारा, डार्कनेस, जिसके लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है चौशेक, जिसका मतलब होता है अननेचुरल डार्कनेस, अंधेरा जो अप्राकृतिक है, मतलब जो प्राकृतिक नहीं है और बहुत गहरा है, जिस तरीके का अंधियारा हम निर्गमन उसके 10वें अध्याय और 21वें वचन में पढ़ सकते हैं, वहां पर भी चौशेक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो दर्शाता है कि वहां पर भी ऐसा अंधेरा छा गया था जिसे काटा नहीं जा सकता था, बहुत ही गहरा, अप्राकृतिक। अगला शब्द है गहरा जल या डीप, हिब्रू में इस शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है तहोम, जिसका मतलब होता है बहुत गहराई, लेकिन उसका सही मतलब ग्रीक में समझ में आ जाता है, जो है एबिस, मतलब वह जगह जहां से एंटीक्राइस्ट निकल के आता है। और वचनों में कई जगह आप इस शब्द को पढ़ सकते हैं, जो दुष्ट आत्माओं के घर को दर्शाता है। अब हमको एक बात ख्याल में रखना है कि जब भी हम पवित्र बाइबल को पढ़ें, उसके अंदर की कहानी को पढ़ें, उसके अंदर की बातों को पढ़ें, तो यह बात हमें ख्याल में रखनी चाहिए कि पवित्र बाइबल किस तरीके से गहराइयों को और भेदों को संजोए हुए है। मतलब जब हम कोई भी बात को बाइबल में पढ़ें, उदाहरण के तौर पर कोई कहानी, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि बाइबल इस तरीके से बात कर रही है कि अगर वो कोई अतीत के विषय में बात कर रही है या पास्ट के विषय में बात कर रही है, तो उसमें भी आने वाली भविष्यवाणी छुपी हुई है, यानी कि प्रोफेसीज विच आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। और अगर प्रेजेंट वर्तमान की बात हो रही है, तो उसमें भी आने वाली भविष्यवाणी छुपी हुई है। और कुछ स्थानों में हम वर्तमान में लिखी जा रही भूतकाल की बात, यानी कि प्रेजेंट में लिखी जा रही पास्ट की बात, भविष्य में आने वाली या फ्यूचर में होने वाली घटने वाली बातों के विषय में भी बता रही है। मैं दोनों ही बातों का उदाहरण आपको दे देता हूँ, ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ जाए और फिर इस बात को ध्यान रख करके अपनी बाइबल स्टडी को, बाइबल अध्ययन को करें। पुराने नियम और नए नियम को दो भाग में दर्शाने के लिए आप पुराने नियम की आखिरी किताब, जो कि है मलाकी की किताब, और नए नियम की पहली किताब, जो कि है मत्ती की किताब, इन दोनों ही किताबों के बीच में एक खाली रिक्त पन्ने को देख सकते हैं। और यह रिक्त पन्ना सिर्फ पुराने नियम और नए नियम के अंतर को ही नहीं दिखाता है, बल्कि उस काल की घोषणा करता है जिसमें परमेश्वर ने किसी भी नबी के साथ बात नहीं करी थी या प्रकाशन नहीं दिया था जिसे लिखा जाए, और वह काल था 430 वर्षों का। मतलब पुराने नियम की आखिरी किताब और नए नियम की पहली किताब के बीच में 430 वर्ष का शांति का काल पाया जाता है, जहां पर परमेश्वर चुप रहे। इजरायली लोग जब पुराने नियम में गुलामी में थे, जिसके विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में विस्तार से पढ़ सकते हैं, तो मिस्र में गुलाम रहते हुए उन्हें 430 वर्ष के बाद परमेश्वर ने आजादी दी थी, जिसे हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय और 40वें वचन में पढ़ सकते हैं। वही गुलामी से छुटकारे की बात को परमेश्वर ने पुराने नियम और नए नियम के अंतराल में भी दर्शा दिया कि जो गुलामी है इंसान की गुलामी, वही गुलामी जिसमें शैतान ने इंसान को डाल रखा है, उस गुलामी से छुटकारा देने के लिए पुराने नियम और नए नियम के काल के ठीक 430 साल के बाद एक मसीहा जन्म लेगा,
और सारी जाति सारे संसार को शैतान की गुलामी से छुटकारा देने का मार्ग खोलेगा, इंतजाम करेगा। उस पर जो विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा और गुलामी से छुटकारा पाएगा। तो यहाँ पर जब हम इस घटना को बाइबल में पढ़ते हैं, जब वह हो रही है, घट रही है, मतलब कि वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो वह भविष्य में आने वाली समानांतर बाद की भविष्यवाणी भी है। वैसे ही हम दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं जो वर्तमान में प्रेजेंट में लिखी जा रही है, परंतु पास्ट की और फ्यूचर की घटने वाली बात के विषय में बता रही है। वही आयत में जिसे हमने पहले भी देखा है, यर्मिया उसका 4:23-26 में हम पढ़ सकते हैं, मैंने पृथ्वी पर देखा वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। जब हम इन वचनों को गौर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यर्मिया यहाँ पर इसराइलियों के ऊपर भविष्य में आने वाली घटना के विषय में तो बता ही रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के 1900 सालों के बाद तक यहूदियों पर घटी, परंतु यहाँ पर पिछली हुई किसी घटना के विषय में भी यर्मिया कुछ बता रहा है, क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर जो एक वाक्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह इस्तेमाल हुआ है, जो है तोहू वोहू, जो दर्शा रहा है किसी तरीके के जजमेंट के विषय में या परमेश्वर के न्याय की ओर। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि यहाँ पर यह यर्मिया उस न्याय को देख रहा है जो परमेश्वर ने किया था उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में। अब अभी तक कि हमने जितनी बातें देखी है, इससे एक नतीजा निकल रहा है कि कहीं ना कहीं पवित्र बाइबल हमें यह दर्शा रही है कि हमारी पृथ्वी के पहले भी एक पृथ्वी हुआ करती थी जिसे परमेश्वर ने तोहू वोहू कर दिया था, और परमेश्वर का ऐसा करने के पीछे बड़ा कारण था। और नूह के समय आए फ्लड के पहले भी एक बहुत ही बड़ा भयानक फ्लड आ चुका था जिसको कई स्कॉलर्स लूसिफेरियन फ्लड के नाम से बुलाते हैं। मैं जानता हूँ कि यह बात कई लोगों को परेशान कर सकती है कि हमारी पृथ्वी के पहले भी एक पृथ्वी हुआ करती थी जिसको परमेश्वर ने पूरी तरीके से नाश कर दिया था, परंतु हम आपकी इस जिज्ञासा को और इस सवाल को हमारे अगले एपिसोड में अच्छे से दूर करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले एपिसोड की बातों को समझने के लिए पहले हमें इस बात को समझना जरूरी है कि उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य आपस में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से उत्पत्ति आदि की चीजों के विषय में हमें बताता है, उसी तरीके से प्रकाशित वाक्य अंत के समय की चीजों के विषय में हमें बताता है, और यह दोनों की बातें आपस में पूरी तरीके से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के बिना अधूरी है। और हम ये पहले ही हमारे शुरुआती एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं कि शैतान को उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के अध्ययन किए जाने से बहुत चिढ़ है, और यही तो पवित्र बाइबल की पुस्तकों को पढ़ने में शैतान बहुत ज्यादा प्रश्न उत्पन्न करता है और दुविधा उत्पन्न करता है और लोगों को कंफ्यूज करता है, ताकि वे इन दोनों ही अध्यायों की गहन बातों को, गहराइयों को और परमेश्वर के भेदों को और परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं उन सारी बातों को समझने में हमारे ऊपर रोक लगा सके। और हमने आपको यह बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरीके से उत्पत्ति सीधे परमेश्वर यहोवा की ओर से दी गई किताब है जो उन्होंने सीधे तौर पर बताई है, और किस तरीके से वैसे ही जो प्रकाशित वाक्य है वह प्रभु यीशु मसीह की कही हुई किताब है जो प्रभु यीशु मसीह ने सीधे तौर पर बताई है। अब देखिए दोनों ही का आपस में संबंध आदि और अंत के तौर पर। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन में पृथ्वी का बनना, प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और पहले वचन में उसका नष्ट होना। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 16वें वचन में दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को परमेश्वर ने बनाया। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और 23वें वचन में बताया गया है कि सूर्य की कोई जरूरत ही नहीं। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 5वें वचन में अंधियारे को रात बोला गया, और प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 5वें वचन में कोई अंधियारा या रात है ही नहीं। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 10वें वचन में पानी को समुद्र बोला, प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और पहले वचन में बताया गया है कि कोई समुद्र नहीं है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 26वें वचन में मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में शैतान के स्वरूप में मनुष्य के चाल चलन को दर्शाया गया है। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय और 6वें वचन में पाप पनपता है, वहीं प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और 27वें वचन में पाप पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय 14-17 में श्राप को दिया जाता है, जबकि प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 30वें वचन में बताया गया है कि कोई श्राप नहीं रहेगा। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय 19वें वचन में मृत्यु का आगमन होता है, जबकि प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और 4थे वचन में कोई मृत्यु है ही नहीं। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय और 24 में आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में मनुष्य को अदन की वाटिका में पुनः स्थापित किया। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय और 24वें वचन में जीवन के वृक्ष के ऊपर पहरा लगाया गया, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 14वें वचन में जीवन के वृक्ष से खाने के लिए अधिकार को वापस से दिया गया। उत्पत्ति उसके 3रे अध्याय और 7वें वचन में यातनाएं प्रवेश कर जाती है, वहीं प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 4थे वचन में कोई यातनाएं नहीं रहेंगी, ऐसा बताया गया है। उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय 8-10 में निम्रोद बाबुल को बनाता है, प्रकाशित वाक्य उसके 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में बाबुल को गिराया जाता है।
उत्पत्ति अध्याय 6 से लेकर 9 अध्याय में परमेश्वर की तरफ से भेजी गई बाढ़ से दुष्टों का नाश होता है, वहीं प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में शैतान द्वारा भेजी गई बाढ़ से विश्वासियों का नाश होते हुए दर्शाया है। उत्पत्ति उसके 24 अध्याय में अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए दुल्हन का बंदोबस्त है, और वहीं प्रकाशित वाक्य के उसके 21 अध्याय में अब्राहम की आत्मिक संतानों के लिए दुल्हन के रूप में नए यरूशलेम का बंदोबस्त है। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और 18 से लेकर 23 में पहले आदम की शादी को हम देखते हैं, और वैसे ही प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में आखिरी आदम की शादी को दर्शाया गया है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 24 वचन में मनुष्य का परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार खत्म हो जाता है जो शैतान को मिल जाता है मनुष्य के द्वारा, वहीं प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में शैतान को नष्ट करके मनुष्य के अधिकार को उससे लेकर उन्हें मनुष्य के ऊपर स्थापित किया जाता है। तो हम जबरदस्त रीति से ये देख सकते हैं कि एक ही डिजाइन हमें मिलती है, एकीकृत डिजाइन जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सी है। तो हम बहुत ही अच्छे से इस बात को देख सकते हैं कि नया नियम पुराने नियम में छुपा हुआ है और पुराने नियम नए नियम में उजागर होता है। क्या अद्भुत डिजाइन है परमेश्वर की। तो हम अब तैयार है उत्पत्ति उसके 1 अध्याय के 2 वचन की आगे की बातों को और गहराई से देखने के लिए, जो हम अगले एपिसोड में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज की सीरीज में जुड़े रहे, ताकि आप बाइबल की हर एक बात को गहराई से समझ सके और उसके कारण को अच्छी तरीके से जान सके। हमारा कार्यक्रम बाइबल से खोज हर महीने के 1 और 3 शनिवार शाम 5:30 प्रसारित होता है। अगर आप हमारे पिछले एपिसोड्स को देखना चाहते हैं और इन सारी जानकारियों का लाभ लेना चाहते हैं और परमेश्वर के वचनों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल JBR नेटवर्क विद अब्राहम सिंह को सब्सक्राइब करके उन्हें देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं, जैसे कि डायनासोर की हड्डियां जो जमीन के नीचे मिल रही है वह इतनी पुरानी क्यों पाई जाती है, जबकि हमारी पृथ्वी तो सिर्फ 6000 साल ही पुरानी है। और इस सवाल का भी अच्छी तरीके से जवाब आपको मिल जाएगा सबूत के साथ कि हमारी पृथ्वी 6000 साल ही पुरानी है और हमारा जो यूनिवर्स है वह जवान है। इसलिए हमारे साथ हमारे इन बाइबल से खोज सीरीज के एपिसोड्स में जुड़े रहें और सारी जानकारियों का लाभ लेते रहें। हम उन सभी श्रोताओं का, उन सभी विश्वासी भाइयों का और बहनों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारे लिए लगातार प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप लोगों के ऐसे ही प्रोत्साहन की वजह से और आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से हम ऐसे कार्यक्रम को आप तक ला सकते हैं। हमारा यह विजन है कि हम परमेश्वर की सेवकाई को भारत के कोने कोने तक, दुनिया के देश दुनिया के कोने कोने तक लेकर के जाएं, जिसकी वजह से इस अंत के समय में भटके हुए लोगों को हम रास्ता दिखा सके और उनकी आत्मा को नाश होने से हम बचा सके। उसके लिए हमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है, आवश्यकता है। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़े। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल का इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूले और तैयारी में लगे रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जिलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ देखे हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज, दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ। समझे उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, पृथ्वी को सिर्फ यीशु ने हराया। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, पृथ्वी को सिर्फ यीशु ने हराया। यीशु मसीह ही वो द्वार है जिसके बिना सब बेकार है। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीव
पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो, वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो, आओ देखे हम Bible से खोज।